कई पूर्व क्रिकेटरों ने अपने खेल करियर में मिली लोकप्रियता और सम्मान का लाभ उठाते हुए राजनीति में भी शानदार भूमिकाएं निभाई हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये व्यक्ति अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण पदों तक भी पहुंच गए, यहां तक कि कुछ प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन दिग्गजों पर जिन्होंने मैदान के बाहर भी शानदार पारियां खेली हैं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद जोशी है और आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रातू सर कामिसे मारा, जिन्हें अक्सर फिजी के संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। 2000 तक राष्ट्रपति बनने से पहले 1970 से 1992 तक प्रधानमंत्री वो रहे। उनके क्रिकेट के दिनों में 1953 और 1954 के दौरान न्यूजीलैंड दौरे के दौरान ओटागो और कैंटरबरी के खिलाफ फिजी के लिए खेला। हालांकि चोट लगने के कारण उनका क्रिकेट करियर जरूर छोटा हो गया। मारा ने एक गेंदबाज के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 17.12 की औसत से 8 विकेट उन्होंने चटकाए। मैदान के बाहर उनका नेतृत्व, जिसने फिजी को स्वतंत्रता दिलाई, देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय उन्होंने लिखा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सर एलेक डगलस होम, जिन्होंने 1963 से 1964 तक यूके का नेतृत्व किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक प्रभावशाली क्रिकेटर भी वो बने। मिडिलसेक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने खेलते हुए डगलस होम ने क्रिकेट के मैदान पर 16.33 की बल्लेबाजी औसत और 30.25 की औसत से 12 विकेट लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है न्यूजीलैंड के सर फ्रांसिस बेल का, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर से पहले क्रिकेट में कुछ समय बिताया था। वेलिंगटन के लिए 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए बेल का क्रिकेट से राजनीति में 1925 में प्रवेश हुआ। हालांकि वे कुछ समय के लिए ही प्रधानमंत्री रह सके थे। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान का, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए 22 साल तक अथक परिश्रम किया। पाकिस्तान के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक के रूप में जाने जाने वाले खान की राजनीतिक उनके समर्पण और नेतृत्व के गुणों को दर्शाती है, जो क्रिकेट के मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंची। इमरान खान 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के पदों तक पहुंचने वाले एकमात्र पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि नवाज शरीफ ने भी एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था और वह एक क्लब क्रिकेटर रह चुके थे। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।